डिप्टी कमिश्नर जामशोर और कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफाई ने कहा है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना चाहिए। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए रेस्टोरेंट, मार्केट और तजारती इलाकों का दौरा किया। अफसरान मुकम्मल यकसोई से काम करें और रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से दरबार हाल जामशोरों में हंगामी इजलास से खिताब करते हुए कहा। कोरोना वायरस मुल्क में तेजी से फैल रहा है, सिंध में भी लॉकडाउन की सूरत पैदा हो सकती है, जिस पर शहरियों को बावर करवाना है कि मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, बगैर मास्क के एक्शन लेते हुए फाइन किया जाएगा। उन्होंने अफसरान से कहा कि मुल्क भर में सफाई का खास ख्याल रखा जाए। शहरियों में जज्बा हुबुल वतनी बेदार करके स्कूलों के ग्राउंड में तकारीब और प्रोग्राम का इनकार किया जाए। योम पाकिस्तान को जोश खरोश से मनाने के लिए मोसर इकदाम अमल में लाए जाएँ। हुसैन बख्श नारी जो नसीर, न्यूज़ SD जामशोरों।